शोहरत हो रही है कि भारत में महिलाओं के साथ कितना टॉप व्यवहार हो रहा है, कैसे महिलाएं घुमाई जाती हैं, वाह भाई वाह, इंडिया इज द बेस्ट। मार्कंडेय वर्मा महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लेता था, नहीं लेता था? तो क्या वही स्थिति देश में लाना चाहते हो? 2024 में मोदी जी को लाके ये माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत है? सारे अत्याचार माताओं बहनों पे होंगे। पाकिस्तान से क्या अच्छा है? गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं, मध्य प्रदेश से 38,000 महिलाएं गायब हैं, महाराष्ट्र से 39,000 महिलाएं गायब हैं। कौन देगा जवाब दे? पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, NCRB की रिपोर्ट है ये। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, इन पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है कि मीडिया चैनल्स सच को झूठ और झूठ को सच दिखा रहे हैं। कौन घमंडी पार्टी है? कौन उद्योगपतियों के साथ खड़ा है? कौन गरीबों के घर उजाड़ रहा है? कौन नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज करा रहा है? कौन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहा है? कौन गरीबों का मजाक उड़ा रहा है? तो ये समझना पड़ेगा। कौन महिलाओं को नग्न करके निवस्त्र घुमा रहा है? RSS बजरंग दल के द्वारा देश में कोई भी धर्म की यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ हत्या होती है, चाहे ये तिरंगा यात्रा निकाले। मोदी जी पैर धोते कि नहीं धोते प्रधानमंत्री बनने के लिए? आज उन्हीं के घर उजाड़ रहे हैं। अभी G20 में दिल्ली में 150 मकान टोड़े गए, नहीं टोड़े गए गरीबों के? आज वो बच्चे सड़क पर सो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, आज देश की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, देश की जनता अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है, नौजवान अपनी शिक्षा के लिए नहीं बोल पा रहा है, किसान अपनी आय के लिए नहीं बोल पा रहा है, माताएं बहनें अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही हैं, इनके लिए कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री तो सबको बनना है। उनको जो बायकॉट किया गया है, देर से किया गया, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये एंकर नहीं है TV के, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वाले लोग हैं, नागरिकों की आवाज़ को दबाने वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी का पतन कर रहे थे ये लोग, देश का चौथा स्तंभ का रूप धारण करके। समझ में आया आपको? ये पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। इन्होंने जैसे आपकी देख लीजिए मणिपुर में जो घटना हुई, किस तरह से 80 दिनों तक ये TV चैनल्स मणिपुर की घटना को दबाए रहे। तो क्या जिस तरह से 2024 के जैसे नजदीक उसका गहमा गहमी नहीं है? लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था कि इन पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है कि मीडिया चैनल्स सच को झूठ और झूठ को सच दिखा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है। तो समझना पड़ेगा आपको कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत में डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन इंडिया ने ये निर्णय लिया कि ये देशद्रोही पत्रकारों का बायकॉट करना चाहिए। और महागठबंधन इंडिया के इस बायकॉट के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। लेकिन जिस तरह से 9 साल बीत गया और अब आपको याद है ये सब? ये 9 साल बीत गया, निरंतर 9 साल से मैं, राहुल गांधी जी इस आवाज़ को उठाते रहे हैं कि ये पत्रकार किस तरह से कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी के का प्रचार तंत्र बने हुए हैं। राहुल गांधी जी ने ये बातें ना जाने कितने बार बोली हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया राहुल गांधी जी को दिखाने से डरता है, मीडिया अडानी का नाम लेने से डरता है। राहुल गांधी जी को संसद भवन में नहीं दिखाया जाता, राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो ओम बिरला की तरफ कैमरा कर दिया जाता है, राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। किस तरह से राहुल गांधी जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को छीना गया, देश देख रहा है। मीडिया ने किस तरह से राहुल गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया, देश देख रहा है। तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया गया कदम है, और इसमें जनता का हित है, देश का हित है। मैं समझता हूँ पूरे देश को मीडिया का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन रैली में अमित शाह भी और मोदी जी भी कहते हैं घमंडिया पार्टी है इंडिया, और वो बौखलाई हुए मोदी सरकार। देश देख रहा है घमंडी पार्टी कौन है। आज भारत के प्रधानमंत्री अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, इतने अहंकार में हो गए कि देश का कोई भी नागरिक अगर कुछ बोलता है तो उसके घर पर ED पहुंच जाती है, CBI पहुंच जाती है। कौन है अहंकार में? कौन घमंडी पार्टी है? कौन उद्योगपतियों के साथ खड़ा है? कौन गरीबों के घर उजाड़ रहा है? कौन नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज करा रहा है? कौन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहा है? कौन गरीबों का मजाक उड़ा रहा है? तो ये समझना पड़ेगा। कौन महिलाओं को नग्न करके निवस्त्र घुमा रहा है और अपनी जवाबदेही से मुकर रहा है? भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है, धर्म की आड़ में छुपकर अपने अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। आजमगढ़ के घर पे भी छापा लगा है CBI का, उसमें जो 60 घंटे कंटिन्यू 60 घंटे उनको मतलब
उसके यहाँ छापा। देखिए महेश शाह के यहाँ से 20,000 करोड़ रुपया 2 क्विंटल चांदी 40 किलो सोना बरामद हुआ था ईडी को। आज तक नहीं पता कि महेश शाह के साथ क्या हुआ है और कहाँ है महेश शाह। गुजरात में हुआ था ये सब नोटबंदी के समय पर। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है और अपने विपक्षी दलों को ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करती है। आज ईडी ने देश को उद्योगपतियों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि 11 लाख उद्योगपति इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। समझ में आया? लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अमित शाह कहते हैं 14% पाकिस्तान में थे, 2% हिंदू रह गए। अरे भाई देश में आपकी सरकार में 11 लाख भारत का नागरिक इस देश की नागरिकता को छोड़ चुका है, इस पर कब बात करेंगे? पाकिस्तान पर बात करके आप देश को गुमराह करते, हिंदू मुसलमान करते हैं। अपने देश से आपकी सरकार में उद्योगपति भाग रहे हैं। कह तो रहे कि मतलब पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है, जनता कह रहे कि पाकिस्तान से तो अच्छा। देखिए पाकिस्तान से क्या अच्छा है? गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं, मध्य प्रदेश से 38,000 महिलाएं गायब हैं, महाराष्ट्र से 39,000 महिलाएं गायब हैं। कौन देगा जवाब दे? पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, NCRB की रिपोर्ट है ये। कहाँ गई हैं महिलाएं? कहाँ इनकी दलाली की जा रही है? कौन इन्हें बेच रहा है? कहाँ चली गई? कौन देगा जवाब? तो आप पाकिस्तान की बातों को कर अपने देश के हालातों से नहीं भाग सकते। आज महंगाई कितने चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी कितने चरम सीमा पर है, देश 1,00,000 करोड़ रुपए के वर्ल्ड बैंक के कर्जे में है, आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, देश की जनता पर आप काला टैक्स लगा रहे हैं। आज देश नमक पर टैक्स दे रहा है, नमक के लिए आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने। आप समझ रहे हैं बातों को? जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, जो हम राशन दे रहे हैं तब आप रिफाइन भी देते हैं, चने की दाल भी देते हैं, ठीक है, नमक भी देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपके अधिकारी वसूली करने का स्टेटमेंट देते हैं कि जो राशन मुफ्त में लिया था उसकी वसूली होगी। जनता को उग्र देखकर फिर निर्णय वापस लेते हैं। तो आज देश समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग में जो पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे कमेटी में, लेकिन अब उनको बाहर रखने की बात कही जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है। वो कहते हैं चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके। ये कांग्रेस की सरकार में संभव था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आपके उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बैठे जगमोहन सिन्हा जी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फैसला सुनाया था। दुर्भाग्य कि आज नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने से आज हमारा न्यायपालिका डरता है। ये है आज आपके देश के लोकतंत्र की वास्तविकता। बात मत काटिए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, जम्मू कश्मीर के हालात बड़े, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, वहाँ लोग आंदोलित हैं, आपका नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है, जनता के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। मणिपुर भी अब उसी हालत में है, गुजरात बहुत समय से ऐसे हालातों में है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, गुजराती लोग डरे हुए हैं। तो ये देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। डबल इंजन की सरकार आपके उत्तराखंड में है, 238 किलो सोना चोरी हो गया, आज तक मीडिया पर नहीं दिखाया जाता कौन चोर है क्या है। भाई वहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, कौन चोरी कर सकता है? अपने लोगों ने ही चोरी किया है जो सरकार में है, गैर वहाँ पे चोरी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं करते। जिस तरह से शहीद हुए थे उसके बदला ले लिए गए हैं, आप देखिए पुलवामा में जो लोग शहीद हुए वहाँ पर किसका फेलियर है, सत्यपाल मलिक जी बार बार बता रहे हैं। दुर्भाग्य कि आपका मीडिया नहीं दिखा रहा है, दुर्भाग्य कि देश को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वोट मांगने के लिए आए थे, जब वो हमला हो गया था तब डिस्कवरी में नाच रहे थे और फिर जनता से वोट मांगे। आज जनता को पता पड़ गया है कि वो वोट मांगने के लिए ही संयोजित हमला था। इनकी नीयत आज देश समझ चुका है, ये धर्म की आड़ ले रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करने का जो इन्होंने 2024 में जो अपनी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। सनातन पे जो हमला करेगा 10 करोड़ का इनाम रखा है उसके लिए क्या? देखिए ये सारे धर्म को बदनाम करने वाली बात है, किसी के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य कि RSS भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को विश्व में बदनाम कर रही है, सनातन धर्म की आड़ में हत्या करा के राजनीति करती है वोट बैंक के लिए। आप देखिए RSS बजरंग दल के द्वारा देश में कोई भी धर्म की यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ हत्या होती है, चाहे ये तिरंगा यात्रा निकाले। विपक्षी सनातन की विरोधी करती है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं की है। सदैव कांग्रेस ने यही कहा है कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव मंच पर खड़े होकर जनता के सामने यही प्रस्ताव रखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधों को, अपनी नीचता को, अपने चरित्र को छुपाने के लिए भगवा धारण करती है।
ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं और आज इन लोगों की बातों में आकर भावनाओं से खेलने का इन्हें स्टंट मालूम है। नरेंद्र मोदी जी देखा होगा रोते कैसे हैं, हाल रोने लगते हैं, नोटबंदी में रोने लगते हैं, कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूँ। तमाम तरह से देश को गुमराह करने का बहुत बढ़िया टेक्निक है नरेंद्र मोदी जी। नाम कर दिया उन्होंने, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, ये देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता भुखमरी का शिकार है, हमारे देश में भुखमरी कितने बड़े पैमाने पर फैल गई है और आप कहते बेरोजगारी नहीं, देश खत्म हो चुका है आपके कहने से, मोदी जी के कहने से बेरोजगारी का आलम यह प्रतिशत क्यों नहीं दिखाते, जनता के बीच क्यों नहीं आते आप, जनता के बीच क्यों नहीं आते? मीडिया का बहिष्कार नरेंद्र मोदी जी ने 2019 का चुनाव जीतने के बाद कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रसून वाजपेयी का शोषण किया, मीडिया के जो बड़े वरिष्ठ एंकर थे। नरेंद्र मोदी जी ने अभिसार शर्मा का शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी ने अजीत उंजम जी का शोषण किया, तब कोई मीडिया का ये जो आज बौखलाए घूम रहे हैं इनमें से किसी ने प्रसून वाजपेयी के लिए दो शब्द बोले, अजीत उंजम के लिए दो शब्द बोले? आज जब विपक्षी दलों ने इनका बॉयकॉट कर दिया तो ये आज हमें लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। देश को समझना पड़ेगा, आज रवीश कुमार जी यूट्यूब पर हैं किनके कारण हैं, इन गोदी एंकरों के कारण जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। पहले तो सपोर्ट करते थे रवीश कुमार ना ये कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए तो उनको आप ऐसे करके आरोप ऐसे पत्रकार पर नहीं लगा सकते जिस पत्रकार को दुनिया सम्मानित करती हो। रवीश कुमार जी के ऊपर एक फिल्म बनी है, आज तक उस फिल्म के विषय में किसी टीवी चैनल पर चर्चा नहीं की गई। आप पठान की चर्चा करते हैं टीवी चैनल पर, इन्हीं गोदी मीडिया एंकरों की बात कर रहा हूँ। आज सुनिए आप जवान का प्रचार करते हैं, आप कश्मीर फाइल्स का प्रचार करते हैं, आप केरला फाइल्स का प्रचार करते हैं। जब एक पत्रकार के ऊपर मूवी बनी रवीश कुमार के ऊपर, तो सभी मीडिया चैनल को कम से कम रवीश कुमार की फिल्म का ट्रेलर तो दिखाना चाहिए था। कोई बात की जब नरेंद्र मोदी पर बीबीसी वर्ल्ड बना के देता है डॉक्यूमेंट्री, आप प्रतिबंधित कर देते हो जो दुनिया का सबसे विश्वसनीय चैनल है उसे झूठा बता देते हो, तो आप देखिए कौन से लोग झूठे लोग जिनका चरित्र, वो तो कह रहे हैं 24 में 400 के पार, उनके कहने से होता है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है, मायावती भी कह रही है हमें प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है, मोदी भी कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है, इसमें कोई मतलब वैसी बात थोड़ी होगी। मोदी जी क्या तय कर लिए हैं, तय तो जनता करती है। मोदी जी पैर धोते कि नहीं धोते प्रधानमंत्री बनने के लिए, आज उन्हीं के घर उजाड़ रहे हैं। अभी G20 में दिल्ली में 150 मकान टोड़े गए, नहीं टोड़े गए गरीबों के, आज वो बच्चे सड़क पर सो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, दुर्योधन बनकर देश पर शासन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दुर्योधन है, दुर्योधन, वे जनता के साथ नहीं है, वे उद्योगपतियों के साथ हैं, वे नौजवानों के साथ नहीं है, वे उद्योगपतियों के साथ हैं। लाल किले से तो कर दिया ना उन्होंने कि फिर आऊंगा, फिर 62। अरे सपने कोई भी देख सकता है, मैं भी देख रहा हूँ कि मैं ही हूँ भाई साहब 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, नितिन प्रताप सिंह सेंगर, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा। अब आप करना प्रचार कल से कि नितिन सेंगर भी कह रहे हैं तो कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। एक ही चेहरा है विपक्ष में, कौन देश की आवाज उठा रहा है, किसने देश में जनता की, जब मनीषा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में जब उसको जला दिया गया मिट्टी के तेल से, किसने आवाज उठाई? राहुल गांधी ने आवाज उठाई, प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाई। कहीं पे भी जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, जब गाड़ी चढ़ा दिया जाए टैनी के लड़के ने, किसने आवाज उठाई? राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। तो जब बैंकों को बंद किया जा रहा है, जब देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, जब देश बेचा जा रहा है, कौन आवाज उठा रहा है? राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। कौन सा देश का ऐसा नेता है जो आज प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है और उसने अडानी के खिलाफ दो शब्द बोले हों, राफेल को लेकर दो शब्द बोले हों, भ्रष्टाचार को लेकर? बताओ मुझे किसी भी नेता का नाम। हर व्यक्ति, हर नेता आज अपने स्वार्थ में देश की जनता का अहित करने में तुला हुआ है। सबको पीएम बनना है, देश की जनता के लिए कौन सोचेगा? आज देश की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, देश की जनता अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है, नौजवान अपनी शिक्षा के लिए नहीं बोल पा रहा है, किसान अपनी आय के लिए नहीं बोल पा रहा है, माताएं बहनें अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, इनके लिए कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री तो सबको बनना है। लेकिन कह रहे संविधान भी बदला जाएगा, वो बताइए, जिसने संविधान पढ़ा नहीं, जिसके संविधान के बारे में कुछ पता नहीं, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, सुन लीजिए बात मत काटिए, इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। गांधी जी ने तो बताया नहीं, किसी धर्मगुरु ने तो बताया नहीं, अम्बेडकर साहब ने तो बताया नहीं है, और अटल जी ने तो बताया नहीं। कल तक यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ये मांगते थे वोट फॉर इंडिया, इस बार जो 18 साल के नौजवान हुए हैं उनका पहला वोट इंडिया को जाना चाहिए, वोट फॉर इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, उड़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, और आज इंडिया गुलामी का प्रतीक है। देखिए मंदबुद्धि लोग हैं, आपने देश का ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिसे बोलने की अकल नहीं, जिसमें कोई सोच नहीं, जिसमें कोई समझ नहीं, आपने ऐसे आदमी को पीएम बनाया। कहता बादल से रडार काम नहीं करता,
कहता है नाली से ऑक्सीजन बन जाएगी। अबे क्या क्या बोल रहा है हमारा प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री की वास्तविकता उनको बताओ तो बुरा लगता है, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री। अब कौन सा विकास दिख रहा है तुम पत्रकारों को? देखो तुम्हारे सोशल मीडिया पे इतने कानून बना दिए हैं कि तुम सही से अपने अपने कंटेंट नहीं दिखा सकते, जनता जो बोल रही है वो नहीं दिखा सकते आप। इतनी पाबंदियां तो तुम पे लगा दी हैं। काय का विकास बता रहे हो? कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ये? मोदी जी की बात मानना मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? मोदी जी कल कपड़ों पर टैक्स लगाएंगे दोगे क्या? मोदी जी कहेंगे माताओं बहनों से ब्लाउज पहनना है तो तुमको टैक्स 10 रुपया देना पड़ेगा, दोगे क्या? जैसे मार्कंडे वर्मा लेता था, मार्कंडे वर्मा महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लेता था, नहीं लेता था? तो क्या वही स्थिति देश में लाना चाहते हो 2024 में? मोदी जी को लाके ये माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत है? सारे अत्याचार माताओं बहनों पे होंगे, समझ में आया? माताओं बहनों के ऊपर ही जो कुछ गाज गिरेगी, अंतिम गाज उन्हीं के ऊपर गिरेगी। देश की महिलाएं समझ लें कि आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला अगर नरेंद्र मोदी जी 2024 में आ गए। महिलाएं सुरक्षित है मणिपुर में जाके देख लो कितनी सुरक्षित है, दिखा नहीं सकते। अरे आप बात नहीं कर सकते कि महिलाएं मणिपुर में कितनी सुरक्षित है? बात करोगे तो तुम्हें शर्म आएगी, रो पड़ोगे कि ऐसा हो रहा है भारत में। ये देवो भूमि है, यहाँ पर राम ने जन्म लिया था, यहाँ पर कृष्ण आए थे जन्म लेने, जहाँ पर महिलाओं के साथ आज इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है मणिपुर में कि दुनिया में हमारा नाम मान शोहरत हो रही है कि भारत में महिलाओं के साथ कितना टॉप व्यवहार हो रहा है, कैसे महिलाएं घुमाई जाती हैं। वाह भाई वाह, इंडिया इज द बेस्ट, है ना? यही है ना आपकी मंशा? जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे वही मंदिर के पीछे छुप के वोट लेना चाहते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता की थाली में रोटी नहीं बची है। अब अगर मंदिर का घंटा जनता ने बजा दिया ना अब की बार, तो उनके बच्चे निश्चित रूप से भीख ही मांगेंगे।